कैसा रेल बिक्री? कहाँ है? टमाटर मिला मेरे को 10 रुपये में 2 किलो और मिर्ची मिला 30 रुपये किलो और बाकी दिन मैं ले जाता हूँ 30 रुपये में आधा किलो। और दोस्तों क्या हाल चाल, समस्त है? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, आपका एक और नए व्लॉग पे स्वागत है। तो अभी सुबह के 9:30 बज गए हैं और कल वहाँ से आने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गया था कि क्या ही बताऊँ। और ये देखो मेरा फुसफुस ख़राब हो गया है यहाँ से, ये इसके अंदर में एक वाइट वाला पार्ट होता है ना, जैसे इसमें वाइट वाला पार्ट है ये वाला, वैसा ही पता नहीं कहाँ गया। तो इसको खोल के लगा देता हूँ। ठीक हुआ कि उस दिन एक एक्स्ट्रा लिया था, आज हो सकता है कि पानीपुरी का आटा सानेंगे दिन में ही, उसको शाम को तलेंगे, क्योंकि 18 तारीख को ना 5000 पानीपुरी देनी है 80 रुपये के भाव में, 80 रुपये सैकड़ा के भाव में देनी है। और ये भी सोच रहा था कि जल्दी आके बाइक की सर्विसिंग करवा दूँगा, सोचता तो बहुत कुछ हूँ, मतलब एक दिन में ना इतने सारे काम सोच लेता हूँ कि वो काम पूरे हो ही नहीं पाते हैं पूरे के पूरे। कल चेतक मैंने अच्छा साथ दिया भाई, वहाँ तक चला गया था मामाया यहाँ से तकरीबन पूरा मंदिर का जो गेट है ना वो यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है। चलिए दिनचर्या आज की चालू करते हैं। और कल अनिल वहाँ से आ गया था 11 बजे के आसपास आ गया था और मैं सोचा कि खाना मंगा लूँ, लेकिन फिर नहीं मंगाया, वही खाना पीना वहाँ पराठा खा लिया था और पोहा मंगाया था वो खा लिया था, चाय साटो फुल्की खा लिया था, रात को सीधा आके खाना खाया। दुकान लेके आ गया हूँ, मस्टिके सेट करना है मेरे को। सुबह दोस्तों मैं बोला था कि घर में मेरा आटा सना रहा है, तो मेरी मम्मी अभी आटा सान रही है और मेरे को भी जल्दी जाके जाना पड़ेगा, पानीपुरी बेलना पड़ेगा। क्यों सनाना है मैं बता रहा हूँ आपको, अभी जो कल आटा सनाया उसको मैं मेरे भाई वहाँ बेच दिए, कल मैं एक्स्ट्रा सेलिंग कर लिया, 18 तारीख को 5000 पानीपुरी देनी है वो भी मैं बताया, और कल जाना है ईदगाह में, मतलब कल ईद है तो कल वहाँ भी जाना है, तो सुबह लेके जाऊँगा तो उसमें भी एक दो पन्नी एक्स्ट्रा लग जाएगी पानीपुरी उसी चक्कर में। अब आज बाज़ार है, जल्दी सेलिंग हो जाएगी तो बाज़ार भी जाना है, कुछ थोक में सामान ले लेता हूँ सस्ता पड़ जाता है, हरी मिर्च वगैरह ना तो सस्ता पड़ जाता है, तो उसके भी कोशिश करूँगा कि उसमें भी ना 100-200 रुपये बच जाए। और गर्मी है, टिकिया ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए ना पूरी टिकिया एक ही बार में सेक देता हूँ, रखे रहता हूँ उसी के ऊपर तो गर्म होती रहती है धीरे धीरे। और कल शाम को मैंने देखा, आप लोगों ने देखा था कि मटर बचा हुआ था, उसके बाद मैं घर चला गया, तो कल मेरी सेलिंग नहीं हुई थी, मटर बच गया था, कल फेंक भी दिया मटर को, क्योंकि ना मटर ख़राब होने के कगार पे गर्मी में नहीं चलता है, इसलिए कल शाम को जब मैं घर गया ना उसके बाद मैं डायरेक्ट लेट गया थोड़ा सा आधा एक घंटा, क्योंकि बहुत थका हुआ था, तो मेरी मम्मी ने बर्तन वगैरह धो रही थी तो फिर मटर को फेंक दी बाहर। मन में ये सवाल तो नहीं आ रहा है कि कल वाला मटर को बेच रहा हूँ मैं, ये देखो ये ताज़ा मटर है, कल वाला मटर नहीं है। तो अभी शाम का 4 बजने वाले हैं और पानीपुरी रोज़ की तरह ख़त्म होने वाली है और 4 बची है, तो टिकिया को और मटर को ना फोड़ फोड़ के खिला रहा हूँ इसी में, क्या क्या डालना है चटनी से, ठीक है खाली। और कल ईद है, सरफराज आया है, कंफर्मेशन ले लेता हूँ मैं, कल ईद है ना, शाम को बहुत खिलाना है टाइम देखो उसके बाद ना, वैसे कल ही है ना, कल है ईद इसलिए मैं शाम अभी आटा सनवाया हूँ ताकि अभी पानीपुरी तल लेंगे, अगर मैं कल पानीपुरी तलते रहूँगा तब तो होगा फिर पहुँच नहीं पाऊँगा। वो जो नमाज़ पढ़ते हैं ना उसका पहले एक घंटा पहले जाना पड़ता है वहाँ पे, तो कल जाऊँगा मैं महगामा, इससे घर पड़ता है किधर, इसे घर बनता है मालपुर साइड में। अभी डाइटिंग में है भाई, पहले कितना मोटा था, अभी देखो आप लोग कमेंट भी करते थे खा खा के मोटा हो गया है, अभी देखो अभी जिम वगैरह जाके एकदम फिट हो गया है, आज कितना दिन बताया 20-25 दिन हो गया ना, हाँ कम से कम एक महीना बनाया है इस खाने के लिए, देखता हूँ और टिकिया को फोड़ के इसमें ख़त्म कर दूँगा, जाऊँगा फिर वही पानी पूरी बेलना पड़ेगा, छानना पड़ेगा, मम्मी अकेली है, मम्मी घर में है, मेरे पापा और मेरे भाई की दुकान लेके चले गए और लोग शाम टाइम आएंगे, आप खाएंगे कि पैक करना आपका यार, बनाइए बस, एक तो पैक करना है 20 सेकंड।
खाली मीठा चाट लग रहा था खत्म होगा नहीं लेकिन हो गया। और पैक वाले में सब सामान खत्म हो गया दोस्तों। अब बारी आती है इसकी। इसमें है प्लेट प्लस दोना। आजा बच्चे लोग गाड़ी आ गई है। ये देखो आ गए। क्या फुल्की बन रही? पानी पूरी बन रहे हैं अभी। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रह गया। कितनी रह गई? थोड़ा सा रह गया भाई। आजा तुम भी आजा बच्चे लोग। इधर देखो उधर हंसो। दुकान लगे दोस्तों घर आ गया था और अभी ना बाजार गया था डुडुक को लेके, वहाँ उसको घुमा ले आया। और अभी नंबर है इनका, अभी जा रहा हूँ बाजार साइड, उधर से सामान मिर्ची वगैरह ले आऊँगा। और मेरे पापा को ना एक पन्नी पानी पूरी देना है और मेरे मिर्ची देना है, मतलब मेरे पास लाल मिर्च बची है ना वो देना है। चल बेटा चल लो। काय को तो नहीं लगा हुआ अभी यहाँ पे? कैसे भैया? अरे यहाँ भी आते हैं आप लोग? अरे भैया आप बंद कर दिए तो यहाँ आना पड़ेगा। मैं आ गया, मैं एक घंटा हो गया। नहीं रहेगा है ना भैया? कैसे रेल बिक्री? कहाँ है? भीड़ है, टनाटन भीड़ है। और ये पैक कितना करना था? हाँ और एक फुल देना है। तो नहीं जाना है ना कल? कहाँ भूल गए? कल जाना है ना है? ईद में ना कल सुबह 8 बजे। एक झोला दो, एक झोला ले लेता हूँ मैं और जाऊँगा बाजार मिर्चा वगैरह ले आऊँ। तो यहाँ पे चाट खत्म हो गया है। खत्म चाट पूरी मिर्ची लिया ना हम? अरे बहुत मिर्ची खाते हैं दुकान में भाई यहाँ लोग। बाजार में हूँ दोस्तों और सब सामान रेडी कर दिया हूँ। धनिया पत्ती भी ले लिया, अदरक, टमाटर और मिर्ची। टमाटर मिला मेरे को 10 रुपये में 2 किलो और मिर्ची मिला 30 रुपये किलो। और बाकी दिन मैं ले जाता हूँ 30 रुपये में आधा किलो। लेकिन जब मैं अभी आगे धनिया पत्ती देखने गया था ना तो वहाँ पे मुझे मिर्ची सुनने को आया 20 रुपये किलो, चिल्ला के बेच रहे थे। मतलब 4 किलो मिर्ची लिया हूँ, 40 रुपये का नुकसान हुआ। वैसे देखा जाए तो रोज 30 रुपये का आधा किलो लिया करता था। बाजार के दिन फ़ायदा होता है, संडे को भी आ जाया करूँगा। कभी कभी किसी बाजार को नहीं आ पाता हूँ तो वो दिक्कत है। सब सामान हो ही गया है बस। तो अभी दोस्तों बाजार से पूरा सामान ले आया। आलू भी लाया, एक बोरा ही आलू लाया बाइक पे, क्योंकि ना सुबह अभी इसलिए लाया हूँ यही बोरा, सुबह जल्दी जाऊँगा ना तो सुबह उबालना पड़ेगा जल्दी से। और आज हमारे खाने बना है दोस्तों कोफ्ता। आप लोग को पता होगा जो गोभी के कोफ्ते रहते हैं ना, ये देखो एक नंबर लगता है। और कल सुबह वहाँ मैं जाऊँगा वही तकरीबन 10 बजे तक, 10 बजे पहुँच जाऊँगा, 12-1 बजे तक मेरे भाई वहाँ साथ में रहेगा अनिल। उसके बाद फिर मैं उधर बस्ती में घुमा दूँगा मोहल्ले साइड में। उसके बाद क्या करूँगा कि माल बचेगा तो अपनी जगह में आके लगा लूँगा, नहीं बचेगा तो भाई हम पट स्वाहा। अब देखते हैं कल जैसा भी होगा। और अभी मेरे को देखना है कि फ़ोन करके पूछूंगा मैं जो मेरे दोस्त हैं उन लोगों से कि ईद है कि नहीं आज। हाँ सरफराज से पूछूंगा और भी एक आध लोग हैं, क्योंकि चांद दिखता है तभी पता चलता है। तो
तो खाना पीना खा लिया था और अभी सुबह हो गई है और मैं बोला था कि आलू उबलेंगे, उसके बाद मटर उबलेगा, तो आलू उबल चुके हैं। देखो मैंने कैसे देखा था, इसको देखने का जुगाड़ होता है। ये देखो अब छोटे आलू हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उबल गए ना। ये देखिए उबल चुके हैं अच्छे तरीके से, उठाएं चलो, धुआं धुआं हो गया। तो ये मटर को ना फुलाने के लिए रखे थे और ये फूल चुका है अभी रात भर में, तो अभी इसी को रख दूंगा उबलने के लिए। अभी तो भट्टे में अच्छा है दोस्तों, और अभी मटर रख दे रहा है नील, ज्यादा से ज्यादा मटर रख दे रहा हूँ इसमें, और अपना वाला बाद में उबालूंगा नहीं खराब हो जाएगा। सोडा डाल दे, दिखाओ कितना है। हाँ डाल दे, ये है मीठा सोडा जिससे मटर जल्दी उबलता है। थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ अभी, बस पंखा चालू करो अंदर से, बंद करो अंदर से, पंखा चालू कर दिया हूँ, अब कूलर तो ज़्यादा नहीं हूँ, अब देखता हूँ जैसा भी होगा। चलिए दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल बनाया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, पानीपुरी वाले भैया लिखिएगा, मैं आ जाऊँगा वहाँ पर। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।